जेफरीज को रिलायंस इंडस्ट्रीज में 13% की तेजी की उम्मीद है। उम्मीद है कि रिलायंस जियो 2025 तक 112 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ सूचीबद्ध होगी। जेफरीज को कैलेंडर वर्ष 2025 तक रिलायंस जियो की संभावित लिस्टिंग का अनुमान है। कंपनी का मूल्यांकन 112 बिलियन डॉलर है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 7 से 15% की तेजी का संकेत देता है। जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी खरीदे रेटिंग बरकरार रखी है, जिसका लक्ष्य मूल्य 3,580 रुपये प्रति शेयर है। अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र को 2030 तक 100 अरब डॉलर का निवेश मिलेगा। पुरी के अनुसार भारत के अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र को 2030 तक 100 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री ने बजट से पहले प्रमुख अर्थशास्त्रियों, नीति आयोग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। आगामी बजट के लिए आर्थिक रणनीतियों और दिशा के प्रमुख तत्वों पर इनपुट मांगे। TCS का मुनाफा पहली तिमाही में 8.8% बढ़कर 12,105 करोड़ रुपए पर पहुंचा। राजस्व 5.2% बढ़कर 62,613 करोड़ रुपए पर पहुंचा। IRCTC, DMRC और CRIS ने दिल्ली NCR क्षेत्र में मेन लाइन रेलवे और मेट्रो यात्रियों के निर्बाध यात्रा अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हाथ मिलाया है, जिससे भारत सरकार की एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा मिलेगा। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला भारतीय रेलवे से 19.33 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ट्रेंट वेस्टसाइड ने फरीदाबाद में अपने नवीनतम 229वें स्टोर का उद्घाटन किया। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स OFS के माध्यम से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 96.1 लाख इक्विटी शेयर यानी 7.84% हिस्सेदारी बेचेगी। फ्लोर प्राइस 810 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। टाटा एलेक्सी की मार्च 2024 तिमाही आय 926 करोड़ रुपए बनाम 850 करोड़ रुपए सालाना। कर पश्चात लाभ 184 करोड़ रुपए बनाम 189 करोड़ रुपए सालाना। शेल्बी कंपनी 175+ बेड की नई स्वास्थ्य सेवा सुविधा का निर्माण करके सांता क्रूज मुंबई में अपने क्षितिज का विस्तार कर रही है।